बोगो के साथ होगी फुल ऑन मस्ती सिर्फ बोगो यूट्यूब चैनल पर। वेलकम बैक। आप और हम मिलके डीमिस्टिफाई करेंगे द वंडर्स ऑफ वाटर ऑन FAQ। वेल, एक्सप्लोरिंग द वंडर्स ऑफ वाटर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस मिक्स्ड विद पानी गिव्स अ स्मोक कुछ ऐसे। But I must warn you कि ड्राई आइस यूज करते समय आप बहुत केयरफुल रहें क्योंकि यू माइट बी प्रोन टू इंजरीज। अ क्रैश, हैंग ऑन, और डालो। वाओ, चेक दिस आउट। थैंक यू क्रैश, दैट वाज फैबुलस। So now, let's move on for some underwater fun. मैं आपको एक ऐसा डाइवर दिखाने जा रहा हूं जो मेरे इशारों पर सिंक और फ्लोट करेगा। चलिए। जैसे ही मैंने बॉटल को दबाया, ड्रॉपर में पानी भर गया और ड्रॉपर बन गया हैवी, which is why it starts to sink, and जैसे ही मैं बॉटल को छोड़ता हूँ, ड्रॉपर में से पानी बाहर निकल जाता है, it becomes lighter and starts to float. इसी तरह हम हैवी चीजों को भी सिंक या फ्लोट करा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे, while Crash prepares our next cool trick. ये एक बॉटल जिसमें मैंने पानी भर दिया है and marbles डाल दिए हैं, so that it becomes heavy. Let's see if it sinks. ये तो sink कर गया. अब मैं sodium bicarbonate की tablets crush करके इस balloon में डालूंगा. इसको अब इस bottle के ऊपर लगा दूंगा. अब देखते हैं कि ये फ्लोट करेगा कि सिंक। ये कैसे हुआ? सोडियम बाइकार्बोनेट जब पानी से मिलता है, then कार्बन डाइऑक्साइड is released, which fills up the balloon and it inflates. इसकी वजह से बॉटल लाइट हो जाती है and it starts to float. अब तक हमने जितना भी देखा है, उनमें एक चीज कॉमन है कि things that are lighter than water or less dense than water, they float. But there are certain things that do not follow the same principle, like submarines. Let's find out. तो ये है हमारा वर्जन ऑफ द सबमरीन। तो हमारी सबमरीन काम करती है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे। अब मैं इसे खोल दूंगा। इस बॉक्स में हमने वेट्स लगा दिए जिससे हमारी सबमरीन हेवी हो जाए। उसके ऊपर एक एरोसोल या कंप्रेस्ड एयर का कैन है जिसको दो पाइप्स लगा रखे हैं, एक पतला पाइप जिससे हवा बाहर निकल सके और एक मोटा पाइप जो बलून से कनेक्टेड है। जब मैं सर्किट को ऑन करता हूं तो हमारा बलून भर जाता, द सबमरीन वुड बिकम लाइट एंड इट वुड फ्लोट। जैसे ही मैं सर्किट को तोड़ देता, सारी हवा इस पतली पाइप से निकल जाती, सबमरीन बिकम्स हेवी एंड इट स्टार्ट्स टू सिंक अगेन। तो ये थी हमारी सबमरीन। नाउ लेट्स सी हाउ एक्चुअल सबमरीन्स वर्क।
यूजुअली सबमरीन्स में दो तरह के टैंक्स होते हैं, एक में हवा भरी होती है और दूसरे में पानी भरा जाता है। इससे सबमरीन हेवी हो जाता है एंड इट बिगिंस टू सिंक। सबमरीन को फ्लोट करने के लिए हवा एक टैंक से दूसरे टैंक में पंप की जाती है। इससे द सबमरीन बिकम्स लाइट एंड बिगिंस टू फ्लोट अगेन। सो दिस इज हाउ रियल सबमरीन्स वर्क। डू यू नो हाउ द सबमरीन सैंडविच गॉट इट्स नेम? वर्ल्ड वॉर टू के समय near New London, Connecticut, there was a submarine base and the soldiers out there used to have a particular sandwich by the thousands. You must have guessed it, yeah. You know what the name of that sandwich was? A submarine or a sub. Aur zyada fun ke liye karo like, share and subscribe. Aur haan, press karo bell icon.